नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो तो आप अपने सैमसंग के फोन में जो आइकन का शेप है और जो साइज है उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, उसके लिए आपके फोन में फुल वन यूआई होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेक करते हैं कि आपके फोन में फुल वन यूआई है या नहीं, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में। यहां पे अगर लिखा होगा वन यूआई वर्जन तो मतलब समझ जाना कि ये है फुल वन यूआई। अगर यहां पे लिखा होगा वन यूआई कोर वर्जन मतलब समझ जाना कि ये फुल वन यूआई नहीं है, मतलब कि जिसमें कोर लिखा होता है उसमें ये फीचर काम नहीं करेगा, केवल वन यूआई लिखा होना चाहिए इस तरीके से। तो अगर आपके फोन में फुल वन यूआई है तो आप अपने फोन में जो आइकन के शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। एक ऐसा ही फोन है जो सैमसंग गैलेक्सी F22 है जिसमें वन यूआई कोर है, मतलब फुल वन यूआई नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आप इस फीचर का यूज कर पाओगे। तो इसे यूज करने के लिए आपको अपने फोन में गुडलॉक को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप गैलेक्सी स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए गुडलॉक, आपको मिल जाएगा गुडलॉक, या आप लिंक पे डायरेक्ट टैप करके उस लिंक को ओपन कर सकते हो। तो गुडलॉक को आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके फोन में गुडलॉक ओपन नहीं हो रहा है, मतलब गैलेक्सी स्टोर में, तो कोई बात नहीं, आप अपने फोन में जो फाइंड लॉक है उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो फोन है इसमें ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता गुडलॉक। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्ले स्टोर में जाकर जो फाइंड लॉक ऐप है उसे सर्च कीजिए फाइंड लॉक को, और इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, इस आइकन पे टैप करना है और यह जो लिखा है ना इंस्टॉल ऐसा कुछ लिखा होगा उस पर आपको टैप करना है, और यहां से आपको दो ऐप को डाउनलोड करना है। तो ये है गुडलॉक, सबसे पहले डाउनलोड कीजिए गुडलॉक को, ठीक है। नीचे आना है, आपको करना है डाउनलोड एपीके, ठीक है। इसके बाद डाउनलोड कीजिए डाउनलोड एनी वे, और फिर इसके बाद आपको जो है थीम पार्क उसे डाउनलोड करना है। तो ये रहा थीम पार्क, इसे डाउनलोड कीजिए। तो आपको ये दो मॉड्यूल को डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फोन में। अगर आपके फोन में गुडलॉक शो नहीं कर रहा है गैलेक्सी स्टोर में, अगर आपके फोन में गुडलॉक शो कर रहा है गैलेक्सी स्टोर में, तो डायरेक्ट आप उसे ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आपको जाना है फैमिली टैब में, यूनिट और फैमिली होता है, फैमिली टैब में जाइए, और ये रहा थीम पार्क। यहां पे डाउनलोड का बटन होगा, उस पर टैप कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड है पहले से तो आपको उसे ओपन करना है, और जिन्होंने अपने फोन में फाइंड लॉक को डाउनलोड किया है उन्हें माई फाइल्स को ओपन करना है, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है, और ये जो एप्स है दोनों गुडलॉक और थीम पार्क दोनों को आपको इंस्टॉल करना है वन बाय वन, डन करिए। इसके बाद आपको फाइंड लॉक को ओपन करना है, जैसे हमने यहां पे गुडलॉक को ओपन किया है उसी तरीके से आपको यहां पे फाइंड लॉक को ओपन करना है, और आपको मिलेगा यहां पे फैमिली में थीम पार्क का ये मॉड्यूल, आप देख पा रहे हो थीम पार्क को आपको ओपन करना है। तो अब दोनों सेम है, अब दोनों सेम तरीके से वर्क करेंगे। तो आपके फोन में अगर फाइंड लॉक है या गुड लॉक है तो अब आपको सेम तरीके से सब कुछ करना है। तो हम अब देखेंगे किस तरीके से आपको आइकन की साइज और शेप को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको जाना है आइकन में, आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग टैब होते हैं, जैसे आप थीम पार्क पर टैप करोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग टैब्स। इसमें पहला होता है थीम्स, फिर कीबोर्ड, क्विक पैनल, आइकन, वॉल्यूम पैनल। तो आपको आइकन पे टैप करना है और करना है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू टैप करने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे शेप, और शेप में आपको मिलेंगे अलग अलग 12 ऑप्शंस। तो आप 12 टाइप के शेप्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये है 1, 2, सर्कल में है 3, 4, देख सकते हो आप प्रीव्यू भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 12 शेप्स, तो आपको जो शेप चाहिए आप उस शेप को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मान लो मुझे अब फिलहाल तो यही चाहिए सर्कल, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा एरो का बटन, आपको उस पर टैप करना है, और ये है साइज। तो साइज अब मैक्सिमम है, आप इसे मिनिमम कर सकते हो, मिनिमम इतनी होगी आप देख पा रहे हो, और मैक्सिमम ये होती है इतनी। तो आप दोनों के बीच में जितने साइज पे रखना चाहते हो उतने साइज पे आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और शेप तो आपने चेंज कर दिया है, कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, 12 अलग अलग शेप, और साइज भी आप काफी अच्छे से चेंज कर सकते हो। और आपने शेप और साइज को चेंज कर दिया, उसके बाद आपको डाउनलोड का जो बटन है उस पर टैप करना है, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो थीम के लिए, और फिर आपको करना है ओके।
इंस्टॉल होगा, आपको वेट करना है। इंस्टॉल होने के बाद यहां पे जो मूव कर रहा है ना, ये वाला आइकन पे आप इस पर टैप करना है और करना है अप्लाई। तो आइकन पैक अप्लाई हो चुके हैं, आप देख सकते हो आइकन की साइज कितनी छोटी हो चुकी है और शेप भी इसका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप साइज और शेप को चेंज कर सकते हो। अगर आप पहले की तरह सब कुछ करना चाहते हो, जैसे पहले था वैसे ही करना चाहते हो, तो आपको गुडलॉक को ओपन करना है, थीम पार्क में जाना है और आइकन पे टैप करना है और जो आपने अप्लाई किया था उस पर टैप कीजिए और करिए अनअप्लाई, लास्ट वाला ऑप्शन इस पर टैप कीजिए। तो सब कुछ जैसे आपका पहले था आइकन वैसे यहाँ पे सेट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब आपको वापस चेंज करना है तो वापस जाइए सेम सेटिंग्स में, फैमिली में, थीम पार्क में, क्रिएट न्यू कीजिए। अब हम कुछ अलग से आइकन शेप को सेट करेंगे, मान लो मुझे ये वाला करना है, ठीक है, और साइज जो है मुझे इतनी रखनी है। फिर इसके बाद मैं करूंगा यहाँ पे डाउनलोड, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ओके। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको फिर जो मूव कर रहा है उस पर टैप करना है और करना है अप्लाई। तो आप देख पा रहे हो ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। इस तरीके से आप जो आइकन का शेप और साइज है उसे चेंज कर सकते हो। और अच्छी बात है कि आइकन के शेप और साइज होम स्क्रीन पे भी चेंज होते हैं और ऐप ड्रॉअर में भी चेंज होते हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस में जो फुल वन यूआई पे बेस्ड है उसमें आप आइकन के शेप को और साइज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।